हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिमांशु और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करते हैं अपने लाइफ में। और मोस्टली हम इन सेंटेंसेस को उस जगह पे यूज करते हैं जब हम अपने पार्टनर से बात कर रहे होते हैं या हम अपने पार्टनर से अपने अपने इंप्रेशन को पार्टनर के सामने और ज्यादा बिल्डअप करना चाहते हैं या हम अपने पार्टनर से या कलीग से बात कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा इंप्रेशन है वो उनके सामने और ज्यादा बिल्डअप हो सके और हमारा जो हमारी जो बॉन्डिंग है हमारे पार्टनर के साथ वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। तो हम अपने इंप्रेशन को उनके सामने अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रांग करने के लिए हम अपने पार्टनर्स के सामने इंग्लिश में बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि गाइस आज के टाइम पे इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप 10 लोगों के बीच में इंग्लिश में बात करते हैं तो आपका इंप्रेशन जो है अपने आप ही बिल्डअप हो जाता है उन लोगों के सामने और आप एक लिटरेट पर्सन की तरह कंसिडर्ड किए जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस का डिस्कस करने वाला हूँ जो आप अपने पार्टनर के साथ यूज कर सकते हैं और अपना जो रिलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं या अपना जो इंप्रेशन है वो और ज्यादा बिल्डअप कर सकते हैं। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। योर फर्स्ट सेंटेंस इज गाइस, आपका जो पहला सेंटेंस है गाइस वो है आपका, मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। आई वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग ऑल नाइट। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। आई वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग ऑल नाइट। दूसरा सेंटेंस है गाइस, तुम मेरे दिलो दिमाग पर बस गई हो। तुम मेरे दिलो दिमाग पर बस गई हो। यू हैव गॉट ऑन टू माई हार्ट एंड सोल। यू हैव गॉट ऑन टू माई हार्ट एंड सोल। थर्ड सेंटेंस है गाइस, तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। यू आर द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। You are the closest to my heart. Fourth sentence है guys, मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। How do I tell what you are to me? How do I tell what you are to me? Fifth sentence है guys हमारा, मैं वादा करता हूं मैं अपने जीते जी तुम्हें रोने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं मैं अपने जीते जी तुम्हें रोने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर लेट यू वीप टिल आई लीव। आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर लेट यू वीप टिल आई लीव। सिक्स सेंटेंस है गाइस, तुम्हारे दिल में क्या है। तुम्हारे दिल में क्या है। व्हाट इज देयर इन योर हार्ट। तुम्हारे दिल में क्या है। व्हाट इज देयर इन योर हार्ट। सेवन सेंटेंस है गाइस, मेरी जिंदगी तुम में है। My life is there in you. मेरी जिंदगी तुम में है। My life is there in you. Next sentence है guys, उसकी क्लास में एक लड़की है जिसके लिए वो पागल है। उसकी क्लास में एक लड़की है जिसके लिए वो पागल है। There is a girl in his class for whom he is mad. There is a girl in his class for whom he is mad. Next sentence is your guys, मैं तुमसे मिलने को पागल हो रहा था। आई वॉज क्रेविंग टू मीट यू। मैं तुमसे मिलने को पागल हो रहा था। आई वॉज क्रेविंग टू मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज योर गाइस, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हाउ मच डू यू लव मी। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हाउ मच डू यू लव मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज योर गाइस, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। आई एम लोनली विदाउट यू। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। आई एम लोनली विदाउट यू। नेक्स्ट इज योर गाइस, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे परवाह नहीं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे परवाह नहीं। एज लॉन्ग एज यू आर विद मी आई डोंट केयर। एज लॉन्ग एज यू आर विद मी आई डोंट केयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज योर गाइस, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना कोई भी तुमसे कभी नहीं करेगा। आई लव यू सो मच दैट नोबडी विल एवर डू। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना कोई भी तुमसे कभी नहीं करेगा। आई लव यू सो मच दैट नोबडी विल एवर डू। मेरे साथ थोड़ा खाना खा लो। मेरे साथ थोड़ा खाना खा लो।
हैव अ लिटिल फूड विद मी, मेरे साथ थोड़ा खाना खा लो, हैव अ लिटिल फूड विद मी. नेक्स्ट इज योर गाइस, अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता. अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता. इफ वी आर मेड फॉर ईच अदर नो वन कैन सेपरेट अस. इफ वी आर मेड फॉर ईच अदर नोबडी कैन सेपरेट अस. अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता. इफ वी आर मेड टू फॉर ईच अदर नो वन कैन सेपरेट अस. सो आई होप गाइस वीडियो आई होगी आपको पसंद. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाता रहता हूं ऐसे बहुत से वीडियो जो आपकी लाइफ में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं. तो फिलहाल इन सेंटेंसेस का यूज करिए और अपने पार्टनर्स को अपने पार्टनर्स को अपनी तरफ इंप्रेस करिए. थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे.